दोस्तों भले ही दूर से देखने में टाइगर और चीता एक जैसे लगते हों, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। टाइगर बहुत ही चालाक और फुर्तीला होता है, वही चीता धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। स्पीड के मामले में कुछ ही सेकंड में 72 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं दौड़ सकते। टाइगर के मुकाबले चीते बहुत पतले होते हैं। कई लोग तो ऐसे भी है जिन्हें लगता है कि टाइगर और चीता एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों अपनी आदतों और आव भाव की वजह से एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। टाइगर को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि इसकी स्किन पर धब्बे की जगह धारियां होती है। वही चीते की आंख के पास से गहरी काली धारियां निकलती है जो इसे और खतरनाक बनाती है। टाइगर की तुलना में इसका चेहरा थोड़ा छोटा होता है। भले ही टाइगर जंगल का बहुत चतुर चालाक शिकारी हो या चीता धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी, परंतु दोनों ही खतरनाक जंगली जानवर हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि टाइगर और चीता में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक जरूर देखिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइगर कैट फैमिली के परिवार की सबसे बड़ी बिल्ली है। ये अधिकतर दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और चीन में पाए जाते हैं। एक टाइगर का वजन 250 से 450 किलोग्राम तक होता है। वही चीता कैट फैमिली का अकेला ऐसा सदस्य है जो दहाड़ नहीं सकता, यह सिर्फ गुर्राता है। दुनिया में करीब 7,000 चीते बचे हैं और यह 17 देशों के जंगलों में मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर अफ्रीका के सवाना में पाए जाते हैं। चीता धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। यह उसेन बोल्ट से भी डबल स्पीड में दौड़ सकता है। यह 3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़कर अपने शिकार को पकड़ लेता है, लेकिन यह ज्यादा लंबा नहीं दौड़ सकता। टाइगर की बॉडी पर दिखने वाली काली धारियों से टाइगर की पहचान होती है। वही चीता के शरीर पर काले धब्बे होते हैं। इनके चेहरे पर काली धारियां भी होती है जो इनकी आंखों के भीतरी कोनों से लेकर नीचे मुंह के कोनों तक जाती है। टाइगर चीता के मुकाबले ज्यादा लंबे, भारी और ताकतवर होते हैं। चीता की तुलना में टाइगर के दांत भी ज्यादा नुकीले और मजबूत होते हैं, जिससे ये भारी से भारी शिकार को आसानी से अपने दांतों से जकड़ लेते हैं। एक बार अगर कोई भी जानवर इनके चंगुल में फंस गया तो उसके लिए खुद को छुड़ाना नामुमकिन हो जाता है। वही टाइगर के मुकाबले चीते बहुत पतले होते हैं। इनके सिर भी काफी छोटे होते हैं। इसके अलावा इनकी कमर भी पतली होती है। चीते आमतौर पर दिन के दौरान शिकार करते हैं जब शेर गहरी नींद में सोए रहते हैं। मादा चीता की उम्र 14 से 15 साल और नर चीता की उम्र 10 से 12 साल की होती है। मादा चीता एक बार में करीब 2 से 5 बच्चे को जन्म दे सकती है और इसका गर्भ पीरियड भी 3 महीने का ही होता है। 96% मादा चीते के बच्चे बड़े होने से पहले ही मर जाते हैं। चीते की आंखों का डायरेक्शन एकदम सीधा होता है और यह कई मील दूर तक देख सकता है। इसकी आंखों में इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम पाया जाता है, जिसकी वजह से अगर चीता तेज स्पीड में भी दौड़ रहा है तो वो अपने शिकार को आसानी से देख सकता है। चीते का दिल टाइगर के दिल की तुलना में 3 गुना बड़ा होता है, जिस वजह से ये दौड़ते समय बड़ी आसानी से भरपूर ऑक्सीजन ले पाता है और जल्द मांसपेशियों तक ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। वहीं टाइगर की बात करें तो इनके पैर भी अधिक मजबूत होते हैं और ये बहुत सक्रिय और फुर्तीले जानवरों में से एक है। टाइगर शानदार तैराक भी होते हैं। ये 6 किलोमीटर तक आराम से तैर सकते हैं और नदी में बड़ी आसानी से शिकार भी कर सकते हैं। ये भारी से भारी शिकार को लेकर नदी भी आसानी से पार कर सकते हैं। इन्हें अकेले में शिकार करना पसंद है और जब ये शिकार करने निकलता है तो सामने कितना भी बड़ा से बड़ा जानवरों का झुंड हो, ये उनका शिकार कर ही लेता है। वहीं चीता की बात करें तो भले ही चीता बहुत बड़ा शिकारी हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब शिकारी के शिकार से और दूसरे जानवरों के हमले से ये भी नहीं बच पाया और दिन प्रतिदिन इसकी भी संख्या कम होती गई। देश के अंतिम 3 चीते को साल 1947 में छत्तीसगढ़ के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने मार डाला था, जिसके बाद साल 1952 में भारत सरकार ने इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया था। इसके बाद से कहीं भी चीते दिखाई नहीं दिए। अब 75 साल बाद देश के जंगलों में फिर से चीते को वापस लाने का प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया है। इन 5 सालों में देश के कई नेशनल पार्क में 50 चीतों का पुनर्वास किया जाएगा। 8 चीते तो अफ्रीका के नामीबिया से लाकर 900 वर्ग किलोमीटर पहले कुनो के जंगलों में छोड़ दिया गया है और बाकी भी धीरे धीरे लाने का प्रयास चल रहा है। देश के इकोसिस्टम के लिए चीते का होना आवश्यक है। चीता फूड चेन का सबसे अहम कड़ी है। इनके न होने से फूड चेन सिस्टम में असर दिखने लगता है। भारत में चीता तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती गई, जिससे इनके नहीं होने का असर जंगलों के भू क्षेत्र में देखने को मिला और इन इलाकों से कई शाकाहारी जीव का वजूद खत्म हो गया, जिसकी वजह से घास के मैदान नष्ट हो गए और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। वहीं टाइगर की बात करें तो एक समय भारत में भी टाइगर की संख्या घटती जा रही थी। इनकी घटती आबादी के कारण साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई।
थी और उसी साल इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। भारत में अब टाइगर के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद से टाइगर की आबादी में वृद्धि देखी गई। इसकी चतुराई, सहन शक्ति और अदम्य ताकत को देखते हुए ही इसे भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया। भले ही टाइगर को राष्ट्रीय पशु बनाया गया हो, लेकिन जिस तरह से चीता दौड़कर अपने शिकार को पकड़ता है वो भी अपने आप में देखने लायक बात है। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी टाइगर और चीता के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।